वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें नोएडा से, जहां बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस में तीखी नोकझोंक हुई है। महिला ने बीजेपी कार्यकर्ता पर आरोप लगाया है। तो नोएडा से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां महिला ने बीजेपी कार्यकर्ता पर आरोप लगाया है। जेपी नड्डा के स्वागत के दौरान बदसलूकी का आरोप लगा है। कार्यकर्ता को हिरासत में लेने पर भड़के हैं बाकी के कार्यकर्ता। तो महिला के साथ छेड़छाड़ का घटना यह है, जहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस में तीखी नोकझोंक हो गई है। जेपी नड्डा का आगरा में संबोधन होना है, ऐसे में जेपी नड्डा के स्वागत के दौरान बदसलूकी का आरोप लगा है, जहां महिला ने आरोप लगाया है बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर, बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में इसी बीच नोकझोंक हो गई है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नदीम हमारे संवाददाता फोन लाइन पे बने हुए। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह बताई जा रही है, महिला छेड़खानी का मामला है क्या ये? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज जेपी नड्डा का जो स्वागत कार्यक्रम था यहाँ नोएडा ग्रेटर नोएडा में जी, तो जगह जगह जो है कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। ऐसे में जो वहाँ पर महिला पुलिसकर्मी जो तैनात की गई थी, उस पर जो है कुछ कार्यकर्ताओं ने महिला के साथ बदतमीजी की है, जिससे जो है महिला नाराज हो गई। उसके बाद में उसने इसकी जानकारी जो है अपने पुलिस के आला अधिकारियों को दी। उसके बाद में फिर पुलिस और जो है कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जी, अभी अभी हमने अपने दर्शकों को ये भी दिखाया कि किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भी बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आए, गेट के बाहर निकलकर नियमों की, ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और इस तरह से बदसलूकी का मामला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा जोश है, क्योंकि आज पहली बार जेपी नड्डा अध्यक्ष पद चुनने के बाद लोगों को संबोधित करेंगे, क्या वजह माना जाए? देखिए, जो इसमें जो जगह जगह जो जैसे डीएनडी की बात करें, तो डीएनडी पर भी जो कार्यकर्ता मिले, और उसके बाद में जो ग्रेटर नोएडा के जीरो पॉइंट पर भी जो कार्यकर्ता वहां पर उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे, और जेवर में भी जो है कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे, तो जो भीड़ है मौके पर वो इतनी ज्यादा भारी जुड़ गई, हर किसी को होड़ लग गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ फोटो और सेल्फी खिंचाने की, जिसको लेकर ही ये सारी अव्यवस्थाएं फैली वहां पर। लेकिन नदीम, फोटो की बात नहीं कर रहे हैं हम, जिस तरीके से लोग गेट के बाहर, गाड़ी की खिड़की के बाहर से निकल के स्वागत कर रहे हैं या जोश दिखा रहे हैं, इससे तो नियमों की धज्जियां ही माना जाए उड़ाना। जी बिल्कुल, इसमें जो है वीडियो में जो कार्यकर्ता है वो बाहर जो है गाड़ियों के निकले हुए नजर आ रहे हैं, और जो वहाँ यातायात की जो नियमों की जो धज्जियां है वो उन्होंने कार्यकर्ताओं ने सरेआम उड़ाई है। इस पर भी जो है जो पुलिस है उन लोगों के खिलाफ जो है एक्शन लेने के लिए तैयार है, और वीडियो के जो वायरल हुआ है उसके देखकर उन लोगों को ये देखने की कोशिश कर रही है कि आखिर उन लोगों ने ये उत्पात क्यों मचाया है और क्या वजह रही है जो इस तरह से उन्होंने यातायात की सरेआम धज्जियां उड़ाई हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।